हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अवे में। तो आज की इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा फायरबोल्ट का जो है मॉडल नंबर, आपको ये है BSW 185 स्मार्ट वॉच। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, बाकी साथ साथ आपको क्या प्राइस पड़ा और क्या आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, अफोर्डेबल है कि नहीं है, बिल्ड क्वालिटी कैसा है, इन सभी बातों का जो है आपको डिस्कशन इस वीडियो में करूँगा। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें, बाकी चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। तो बॉक्स के आगे आप देख सकते हो फायरबोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी का जो है आपको यहाँ पे जो है फेस दिख रहा है। बाकी डिब्बे के पीछे अगर देख ले तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लूटूथ कॉलिंग है, हर्ट रेट आपको मॉनिटरिंग कर देगा, 15 दिन का आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप दिखा रहा है, 300 mAh का बैटरी है, देखते हैं कितना दिन दिखाता है। और भी सारे काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ साइड में भी आप ब्रांडिंग वगैरह देख सकते हो कि 35.3 mm का जो है आपको इसके अंदर डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बाकी आपको इधर देख सकते हो कि GPS इंक्लूडिंग है और आपको यहाँ पे वही बैटरी वगैरह का फिर से आपको जो है यहाँ पे ब्रांडिंग वगैरह दिख रहा है। तो चलिए फटाफट जो है बॉक्स को पहले खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं कि बॉक्स के जो अंदर है वो क्या है। तो बॉक्स को जैसे ही आप खोलोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक मस्त प्रीमियम क्वालिटी का जो है वॉच देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे वॉच को अगर थोड़ा सा बाहर करते हैं तो आप देख सकते हो कि वॉच के ऊपर जो है स्टिकर वगैरह लगा हुआ है। खैर इसे बाद में हम आगे ओपन करेंगे। आप इसके साथ देख सकते हो कि आपको एक चार्जर केबल देखने को मिल जाता है जो कि बिल्ड क्वालिटी से आप अगर देखो तो काफ़ी अच्छा है। बाकी जिस प्राइस रेंज में आपको आया है उस रेंज में ठीक है। बॉक्स के अंदर और भी काफ़ी कुछ चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूज़र मैनुअल है जिसको आज तक किसी ने कभी पढ़ा नहीं है, तो फिर हम लोग भी इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए जो है इसे फेंक देते हैं। वहीं अगर नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख ले कि हम लोग क्या मिला है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो है एक मूवी टिकट देखने को मिला है, होला यू वॉन मूवी टिकट। तो अब यहाँ पे स्कैन वगैरह करके जो है इसे क्लेम कर सकते हैं इनके ऑफिशियल वेबसाइट, या फिर एक फॉर्म देते हैं इन्होंने उनको भर के। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप कार्ड के देख लो तो इस पर आपको वार्निंग दिया गया है कि डू नॉट यूज फास्ट चार्जिंग अडेप्टर, यानी कि आप फास्ट चार्जिंग अडेप्टर को आप इस पर चार्ज करने में इस्तेमाल ना करें, नहीं तो आपका वॉच जो है वो डैमेज भी हो सकता है। और एक और मैसेज है कि चार्ज द वॉच फॉर 60 मिनट बिफोर यूज, यानी कि 60 मिनट यानी कि 1 घंटा पहले आप इसे चार्ज वगैरह करके तब यूज़ करें। दूसरे कार्ड पर आपको यहाँ पर जो है स्पॉटीफाई और पबजी वगैरह का जो BGMI बन गया है उसका आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह मिल जाता होगा, तो इसे भी आप क्लेम कर सकते हो। पीछे इसका भी QR कोड दिया हुआ है, तो आप इसे भी क्लेम कर लेना। बाकी अगर तीसरे बात कर ले तो आपको यहाँ पर जो है वारंटी कार्ड जो है ये दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फायरबोल्ट इंडियाज़ नंबर 1 स्मार्ट ब्रांड है आपको, और वर्ल्ड पे ग्लोबल #2 है जो ये क्लेम करती है। और हमारे प्यारे सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी का जो है ब्रांडिंग आपको यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे आप पीछे जो है QR कोड स्कैन करके अपने वॉच को रजिस्टर कर सकते हो। बाकी चलिए अब अपने वॉच की तरफ बढ़ते हैं। तो वॉच की तरफ बढ़ने से पहले आप देख सकते हो कि इसके जो है साइड में 3 बटन्स दिए गए हैं। पहला बटन जो है इसे स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, इससे आप वॉच का मोड चेंज कर सकते हो। और नीचे वाला जो है मेन्यू बटन है। तो चलिए पीछे आप देख सकते हो कि सेंसर्स वगैरह जो है लगा हुआ है जिसमें आपको BP वगैरह हो गया या स्पीड ट्रैक वगैरह करके दिखाएगा। तो चलिए इसका जो रैप अप हटाते हैं। ये रैप हटाने में जो मज़ा है ये किसी भी प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने में उतना मज़ा नहीं है जितना इस पर ये चीज़ करने में मज़ा है। तो चलिए इसे पहले सबसे बूट कर लेते हैं। सबसे पहले पावर बटन को आप थोड़ा लॉन्ग प्रेस करिएगा तो आप एक वाइब्रेशन सा फील होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फायरबोल्ट का जो आपको यहाँ पे ब्रांडिंग दिख रहा है, तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी रिबूट भी हो जाता है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है, आप यहाँ से इसे स्क्रॉल कर करके जो है इसका मोड वगैरह चेंज कर सकते हो। वॉच का देख सकते हो आप डिफरेंट डिफरेंट आपको उसका मोड है। बाकी आप अपने ऐप को भी इस पर रजिस्टर करके जो है अलग अलग मोड लगा सकते हो। कुछ ही मोड इसके अंदर जो आपको यहाँ पे फिलहाल देखने को मिलता है। बाकी अगर मैं दूसरे फीचर्स की बात कर लूँ तो इसमें आपको जो है नीचे से अगर स्वाइप करोगे तो इसमें आपको मैसेजेस वगैरह दिख जाएंगे, और ऊपर से स्वाइप करोगे तो इसमें आपको जो है नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको काफ़ी सारे फीचर्स जो इसके अंदर जैसे ब्राइटनेस कंट्रोल वगैरह है वो आपको दिख जाएंगे। और पावर बटन के ही इस्तेमाल से आप जो है चीज़ों को बैक कर सकते हो, यानी कि बैक बटन का काम जो है पावर बटन ही करता है। बाकी आप यहाँ पे और भी देख सकते हो, जैसे पावर सेविंग मोड है, मतलब अगर आपका बैटरी कम चार्ज है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। DND मोड है, इसके अंदर आपको कॉल वगैरह का या किसी भी टाइप का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जस्ट लाइक ए स्लीप मोड। कॉल को भी अगर आप डिस्कनेक्ट कर दोगे तो कॉल वगैरह का नोटिफिकेशन भी इस पर नहीं आएगा। और यहाँ पे आप इसमें एक नया फीचर दिया गया है, प्लीज़ ऐड e-cards इन द ऐप, यानी कि आप अपने कोई भी QR कोड जैसे अपना व्हाट्सअप इंस्टाग्राम का QR कोड अब यहाँ पे लगा सकते हो। और
और भी बहुत कुछ का क्यू आर कोड जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। बाकी सेटिंग्स पे जाके आप देख सकते हो डिस्प्ले वगैरह का जो है, इसके अंदर आपको सेटिंग, ब्राइटनेस कंट्रोल, स्लीप है ना, ये सब सारा कुछ मिलता है जो कि एक आम वॉच में होता है। बाकी अगर वाइब्रेशंस एंड रिंग पे चले जाता है, यहाँ पे आपको मोड्स वगैरह चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। वही आपको D&D मोड तो इधर भी देखने को मिलता है, लो पावर मोड। फ़ोन मोड पे जाओगे तो आपको यहाँ पे फ़ोन का आप जो है नोटिफिकेशन ऑफ वगैरह भी कर सकते हो। सिस्टम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे रीस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वही अगर मैं नेक्स्ट और लास्ट फीचर की बात करूँ तो इसमें अबाउट में आपको इसके अंदर जो है ब्लूटूथ वर्जन और भी आपको मैक एड्रेस वगैरह सारा कुछ जो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर नीचे की बटन की बात कर ले तो जैसे आप नीचे के बटन क्लिक करोगे तो इसमें आपको GPS इनेबल्ड काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे GPS वॉल्क है, GPS अगर इसके अंदर मैं बात कर लूँ, दूसरा तो GPS रनिंग है, काफ़ी सारे फीचर्स जो GPS से रिलेटेड है वो आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात कर ले तो आपको जिस प्राइस सेगमेंट में आपको ये मिलता है, जैसे मुझे 1899 रुपये में पड़ा सारा टैक्स वगैरह लगा के और सारा जो कुरियर चार्ज वगैरह सारा लगा के, तो वैसे वाकई में काफ़ी ठीक है, आप इसे परचेज कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।